गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी छठी है और ये वर्कशीट है आपकी 18 फरवरी की। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, दादाजी, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, अध्यापक पढ़ता है, अध्यापिका पढ़ती है, छात्र लिख रहा है, छात्रा लिख रही है। तो ये देखिए, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हम डिफरेंस जानेंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में जो रेखांकित, रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, ठीक है, लड़का, दादाजी, अध्यापक, छात्र, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, है ना, यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये पुल्लिंग होंगे, जो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे उनको पुल्लिंग कहेंगे, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएंगे उनको स्त्रीलिंग कहेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग के लिए लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि ये उदाहरण है। स्त्रीलिंग के लिए लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामा, शेरनी, मोरनी आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं आता, लेकिन जो आपका वो है ना, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई लिंग हिंदी में नहीं है। अब पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, आंसर नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग बदलिए। तो पुत्र का क्या आ जाएगा, पुत्री, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुत्री लिखेंगे, ओके। अब तो देखो यहाँ पे पुत्र का हमने क्या लिखा, पुत्री, ठीक है, पुत्री, ओके। फिर अब लुटिया, लुटिया किसका होगा, लोटा, इधर लिख देंगे आप लोटा, आपको तो अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा लोटा, ठीक है। अब शेरनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेर, शेरनी का क्या हो जाएगा, शेर। अब यहाँ पे क्या है, नायक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नायिका, नायिका, ठीक है, नायक का नायिका हो गया। अब उसके बाद नर का क्या आ जाएगा, नारी, नर का नारी हो जाएगा। अब यहाँ नाना है, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ नानी है, तो यहाँ आ जाएगा नाना, ठीक है, ये पुल्लिंग आ जाएगा। भाई, इधर क्या आ जाएगा, बहन, ठीक है। पुत्र का क्या हो गया, पुत्री। लुटिया का क्या होगा, लोटा। शेरनी का क्या होगा, शेर। नर का नारी, नानी का नाना, भाई का बहन। तो इस तरीके से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये लिख लेंगे, ओके। तो सिक्स क्लास, अभी तक आपको पता होगा आपके कॉम्बैट के बारे में। कॉम्बैट में ना बहुत सारा जो क्विज होता है ना, एक तरह से जो कंटेस्ट होता है, चैलेंजिंग बैटल होता है, इसमें मैथ और साइंस के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से ये टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी इसको कभी कभी मतलब देती हूँ रिवाइज। आपको करना है अपना मैथ और साइंस का सिलेबस, फिर प्रैक्टिस करना है, और इसमें सबसे अच्छी बात है ना, बहुत सारे इसमें आपको प्राइजेस मिलेंगे और बहुत सारा मज़ा भी आएगा, क्योंकि गेम्स के थ्रू आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, और आपका जो स्कोर है ना, रैंक है, स्कोर है, वो सब इसमें दिखाई देगा। अनअकैडमी पे स्कोर दिखाई देगा, आपका जो रैंक होगा, रेटिंग होगी, वो तभी दिखाई देगी, अवार्ड्स होंगे, जितना रेटिंग होगी, साथ के साथ आपका रैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घटता हुआ भी दिखाई देगा। अगर आप अच्छा इसका स्कोर करते हैं, 60 मिनट का एक्सपीरियंस रहेगा, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे, वीकली होता है ये आपका कॉम्बैट, ठीक है। नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में है। और जब ये हो जाएगा ना आपका, ये जो क्विज होगा, ये जब हो जाएगा, उसके बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आपको पता है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो कॉम्बैट है, ये आपका एक होने वाला है, कब, 21 फरवरी को होने वाला है, एक आपका 28 फरवरी को होने वाला है। 7 फरवरी में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस रहने वाला है। तो 21 फरवरी 28 फरवरी आप किसी भी कॉम्बैट के लिए मतलब दोनों देके देख लीजिएगा, दोनों देके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे करना है। और सिलेबस रहेगा वही आपका, क्या रहेगा, साइंस 6 क्लास का मैथ और साइंस का एनसीईआरटी। वैसे भी हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, तो आप लोग देख के देख लेना। कंपोनेंट ऑफ फूड तो आपको रट गए होंगे, बहुत बार हम कर चुके हैं, है ना। अब ये देखिए, लाइव कॉम्बैट टू नो हाउ वेल यू परफॉर्म। तो 50,000 लोग ये टेस्ट देंगे, तो आप भी इस टेस्ट को दे सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है।
क्वेश्चन दैट टेस्ट क्वेश्चन दिया होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, और आपको लोगों को मज़ा भी आता है क्विज़ करने में, तो आप लोग क्विज़ करना अच्छे से। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ये भी मैंने बता दिया है। और ये कॉम्बेट होने वाला है कब, 21 फरवरी को, कब होने वाला है, 12 बजे, ठीक है, 21 फरवरी को 12 बजे। और ये स्पेशल 6th क्लास के लिए है, अभी तक 7th और 8th के लिए नहीं आया है, 6th के लिए है या फिर 10th के लिए है। तो स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला कोड नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, पूर्णिमा 10, आपको जो कोड एनरोल करेंगे इसके लिए। और इसके लिए लिंक कहाँ पे दिया हुआ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूर्णिमा 10 कोड आप डाल देंगे, जैसे ही आप उसमें ज्वाइन करेंगे आपसे कोड मांगेगा, ठीक है। जैसे ही आप जो भी आप जैसे आपकी क्लास का जो लिंक है उसमें आप पूर्णिमा 10 ज़रूर डालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को, अब कम्पीट विद द बेस्ट एंड एक्साइटिंग प्राइजेस रैंक 1 से 3, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और अपनी चॉइस का टेन्योर मिलेगा, कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, रैंक 4 से 10, मतलब आप आने वाली क्लासेस के लिए भी, मतलब ये समझ लो कि आने वाली क्लासेस के लिए फ्री ले सकते हो सब कुछ अन अकेडमी पे, अगर आप इस रैंक में आ जाते हो। अगर 4 से 10 में रैंक आता है 75% ऑफ रहेगा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन पे। फिर 11 से 50 वाले रैंक में ये रहेगा, और अगर 150 तक भी आपका रैंक आता है तो 25% आपको छूट मिलेगा, और फिर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए, विनर कैन चूज़ 6, 12, 18, 24 मंथ CBSE Class 7 सब्सक्रिप्शन, रिवार्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो कितना अच्छा है कि आपको सब कुछ अन अकेडमी का फ्री में ही मिल जाएगा अगर आप जीत जाते हो। तो ये देखो 150 रैंक तक भी अगर आपका आ जाता है तो ये तो बच्चा आपको तैयारी करनी है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि आप कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, जब आप रजिस्टर कराया जाएगा पूर्णिमा 10 कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, एनरोल हो जाएंगे, और इसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।